हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद अस, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीडियो नंबर 5, और यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 6 की। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। अब जो ये वीडियो 6 है ना, एक्चुअली में ये बुक में चैप्टर 3 है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब ना 6 महीने बीत चुके होते हैं। जो लिली की मम्मी होती है ना, वो कहती है अच्छा, और उसकी मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा होता है। और जो उसकी मम्मी होती है ना, वो उस बिल्डिंग में जिस जगह ये लोग होते हैं ना, वो घूम रही होती है। और खिड़की होती है ना, खिड़की के पास खड़ी होती है। खिड़की पे ना काफ़ी धूल मिट्टी होती है, वो क्या करती हैं अपनी उंगली से ना थोड़ी सी धूल हटाती हैं और थोड़ी पोंछती हैं। अब इतने में ना जो लिली होती है वो अपनी मम्मी को बीच में इंटरप्ट कर देती है और कहती है मुझे पता है मम्मी, काफ़ी कुछ काम करवाना है, मुझे जानती हूँ। और ना खिड़की की तरफ देख के कहती है, और वो कहती है ना देखो मम्मी, लेकिन जो स्टोर का फ्रंट है ना, इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जो लिली की मम्मी होती है ना, वो खिड़की की तरफ देखती है और वो ना सब जगह देख रही होती है ना, हल्का सा हुम की साउंड निकालती है। और ये एक्चुअली में उसकी मम्मी का तरीका था कि भाई वो चीज़ से एग्री नहीं करती, और ये चीज़ ना लिली को अच्छे से पता थी कि भाई मम्मी मानी नहीं है। अब जो लिली होती है ना, वो अपने हथियार डाल देती है और कहती है ना तुम्हें क्या लगता है मम्मी, ये जो डिसीज़न मैंने लिया है ये स्टूपिड है। और जो उसकी मम्मी होती है ना, वो अपना सर हिलाती है हाँ, और कहती है ना देखो बेटा, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आगे चीज़ें कैसी होंगी। और जो लिली की मम्मी होती है ना, उनको पता था कि जो ये बिल्डिंग थी ना, ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, और वहाँ पे ना हर जगह पुरानी टेबल पुरानी चेयर रखी हुई थी। अब उसकी मम्मी ना थोड़ा वॉक करके जाती है और वहाँ पे एक जो चेयर होती है ना उसको निकाल लेती है और आराम से बैठ जाती है। फिर कहती है देखो बेटा, अगर सब चीज़ सही चली, तुम्हारी फूलों की दुकान अगर सक्सेसफुल हो गई, तो लोग कहेंगे ना कि भाई बहुत ही ब्रेव बोल्ड और स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लिया था इसने। लेकिन अगर वो नहीं चली, जो तुम्हारी पूरी इनहेरिटेंस है ना, वो तबाह हो जाएगी, सब कुछ खो दोगी तुम, और लोग कहेंगे ना ये तो कितना इसने बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लिया था यार बिजनेस में आने का। और उसकी मम्मी कहती है ना देखो बेटा, दुनिया ऐसी ही चलती है, तुमने बिजनेस में मेजर्स कर रखा है, तुम्हें पता है ना सब चीज़ें कैसी हैं। और उसकी मम्मी ना पूरे कमरे को देखती है और सोचती है ना कि 1 महीने बाद ये कमरा कैसा लगेगा। और उसकी मम्मी उसको कहती है ना लिली को, बस एक चीज़ याद रखना, ब्रेव और बोल्ड रहना लिली। अब जो लिली होती है ना, वो स्माइल करती है और मन में सोचती है ना ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेड है। और लिली कहती है ना अपनी मम्मी को कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने ये चीज़ खरीद ली, वो भी बिना आपसे पूछे। और ना एकदम टेबल पे बैठ जाती है वो भी। और लिली की मम्मी कहती है ना बेटा, तुम अब अडल्ट हो, और ये सही भी है। और जब लिली की मम्मी ने ये कहा होता है ना, तो एक्चुअली जो लिली की मम्मी होती है ना, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि अब ना उन्हें और ज़्यादा अकेला फील होने लगता है। क्योंकि पहले तो ना लिली भी उन पर डिपेंडेंट थी, अब लिली भी ना हल्के हल्के इंडिपेंडेंट हो रही थी। लगभग 6 महीने हो चुके थे उसके पापा को मरे हुए, और तो और अभी भी उसकी मम्मी को कोई कंपनी नहीं दे रहा था, वो अकेली रह रही थी। उन्होंने क्या करा था ना, एक जॉब ले ली थी एलिमेंट्री स्कूल में, और वो फाइनली बॉस्टन भी शिफ्ट हो गई थी। अब उन्होंने ना एक घर भी ले लिया था जो बॉस्टन शहर है ना उसके थोड़ा बाहर को। और जो उनका घर था ना, वो 2 बेडरूम वाला घर था जिसमें खूब बड़ा सा बैकयार्ड था। और लिली का ना हमेशा से ख्याल था कि वो उस घर में जाएगी और गार्डनिंग करेगी, लेकिन गार्डनिंग करने के लिए ना उसको वहाँ डेली केयर करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों की। और जो लिली का स्केड्यूल था ना, वो ऐसा था कि भाई वो सिर्फ एक या हफ्ते में 2 बार ही जाया करती थी अपनी मम्मी से मिलने, और कुछ भी नहीं। अब उसकी मम्मी लिली की कहती है ना, जो सारा सामान पड़ा होता है, वो कहती है भाई तुम इस कूड़े कचरे का क्या करोगी फिर। अब जो लिली होती है वो मन में सोचती है कि हाँ मम्मी कह तो ठीक रही है यार, ये सब कूड़ा कबाड़ है, और मुझे अगर मुझे कुछ करना है ना, तो मुझे इस जगह को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। अब लिली कहती है ना मुझे कोई आइडिया नहीं है मम्मी, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा, तब मैं नई सिरे से इस चीज़ को ना डेकोरेट करूँगी। अब लिली की मम्मी उससे पूछती है कि भाई तुम्हारा आखिरी दिन कब है मार्केटिंग फर्म में। अब जो लिली होती है ना, स्माइल करते हुए कहती है वो तो कल था। अब जो उसकी मम्मी होती है ना, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और कहती है चलो ठीक है लिली, और मुझे लगता है कि शायद जो तुमने डिसीजन लिया है ना, ये तुम्हारे फेवर में काम करेगा। अब लिली और लिली की मम्मी ना वहाँ पे खड़े होते हैं, तो देखते हैं कि भाई जो फ्रंट डोर होता है ना, उससे खोल के ना कोई आता है। और जब वो देखती हैं तो कोई एक औरत होती है जो वहाँ से चलते हुए आ रही होती है, और तो ना वो पूरे कमरे को स्कैन कर रही होती है अंदर आते वक्त। और वो एकदम से लिली को देखते हुए कहती है ना कि हाय। और जब लिली उसको देखती है ना, तो उसको ये तो पता चल चुका था कि भाई क्यूट है, इसने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, और तो ना उसने वाइट कैपरी पहन रखी होती है। और उसको ये नहीं पता था कि भाई कुछ ना एक खतरनाक डिजास्टर होने वाला है। अब जो लिली होती है ना, उससे पूछती है हाँ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अब जो लेडी होती है ना, उसने अपना पर्स अपने कंधे पर टांग रखा होता, चलती चलती ना लिली के पास आती है, और वो कहती है ना कि मैं हूँ अलीसा, और ना अपना हाथ उससे आगे बढ़ा देती है। और जो लिली होती है ना, उससे हाथ मिलाती है, कहती है लिली। और जो अलीसा होती है ना, वो कहती है कि तुम्हारी दुकान के बाहर ना एक हेल्पिंग का बोर्ड लगा है। अब जो लिली होती है ना, उसके कंधों की तरफ देखती है, कहती कहाँ लगा है। अब जो लिली होती है ना, उसको पता ही नहीं होता कि उसने भाई ऐसे वांटेड का साइन लगाया कि उसको कोई बंदा चाहिए हेल्प करने के लिए। अब जो अलीसा होती है ना, कहती है हाँ वहाँ पे लगा है। अब उसको देख के लगता है ना कि वो काफ़ी पुराना है,
और तो और वो काफ़ी समय से है वहाँ पे, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने वो देखा और मैं क्यूरियस हो गई इसलिए मैं अंदर चली आई। अब जो लिली होती है ना उसको एकदम से जो अलीसा होती है ना वो पसंद आ गई होती है। जो अलीसा की आवाज़ होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है और जो स्माइल कर रही होती है ना, जो लिली को लगता है कि भाई ये बंदी ना बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अब लिली की मम्मी ना उसके कंधे पर हाथ रखती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है ना, उसके गाल पे किस करके कहती है ना बेटा मुझे जाना पड़ेगा और आज ना ओपन हाउस है। अब जो ओपन हाउस का मतलब होता है ना वो ये होता है कि भाई जब आप आम लोगों को बुलाओ, जहाँ पे आप काम करते हो, कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, आम लोगों को देखने के लिए कि कैसे चीज़ें चलती हैं, तो उसको ओपन हाउस कहते हैं। अब जो लिली होती है ना वो अपनी मम्मी को गुड बाय कहती है और फिर वो ना चली जाती है और फिर जो लिली का सारा ध्यान होता है ना वो अलीसा पे आ जाता है। अब जो लिली होती है ना वो कहती है एक्चुअली मैंने किसी को हायर नहीं करी, अपना अपना हाथ इस पूरे कमरे की तरफ हिलाती है और कहती है देखो मैंने यहाँ पे फूलों की दुकान खोल रही हूँ तो कुछ महीने लग जाएंगे एटलीस्ट। और जो लिली थी ना वो सोचती है कि मुझे ना थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब जो लिली होती है ना वो सोचती है मन में कि भाई मैं इसको बिल्कुल भी जज नहीं करूँगी क्योंकि जिस हिसाब के इसने कपड़े पहन रखे हैं, जिसका इसका अटायर है ना, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल कम सैलरी में तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और तो और जितना इसका महंगा पर्स है ना इतने में तो ये पूरी बिल्डिंग खरीद लेगी। अब जो अलीसा होती है ना एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, कहती है रियली मुझे तो फूल बहुत ज़्यादा पसंद है यार। अब जो अलीसा होती है ना वहाँ खड़े खड़े घूम जाती है और कहती है ना कि इस जगह में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यार, और तुम दिवाले किस कलर की पेंट करने वाली हो। अब जो लिली होती है ना वो अपने हाथ फोल्ड करके ना अपने चेस्ट पर रख लेती है और कहती है ना कि मैं श्योर नहीं हूँ यार, मुझे ना अभी एक घंटे पहले इस बिल्डिंग की ना चाबी मिली है तो मेरे दिमाग में ना अभी कोई ऐसा कोई खास डिज़ाइन नहीं आया कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है लिली राइट। अब जो लिली होती है हाँ कहती है, और अलीसा कहती है ना देखो मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूँगी कि मेरे पास ना कोई डिग्री है डिज़ाइनिंग में, लेकिन हाँ ये ना बहुत मेरी एक फेवरेट थिंग है और तो अगर तुम चाहो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ वो भी फ्री में। अब जो लिली होती है ना वो अपना सर हिला के देखती कहती है तुम फ्री में काम करोगी। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है हाँ एक्चुअली मुझे कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने वहाँ साइन बोर्ड देखा और सोचा कि बस ये क्या है यार, और मैं वैसे भी बोर होती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो क्लीनिंग करूँगी, डेकोरेटिंग करूँगी, सामान उठाऊँगी, पेंट वेंट कर दूँगी, और मैं ना एक इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा चलाती हूँ तो मेरा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जो अलीसा होती है ना तो पीछे कुछ सामान रखा होता है उसको पॉइंट आउट करती है। अब जो लिली होती है ना वो भी देखती है और कहती है ना अलीसा कि भाई देखो जो ये टूटा हुआ दरवाज़ा है ना मैं इसको बहुत सुंदर बना सकती हूँ और ये चीज़ मैं हर एक सामान के साथ कर सकती हूँ, हर एक सामान के साथ तुम्हें पता है। अब जो लिली होती है ना वो सारे कमरे में देखती है, वो तो देखती है ना कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा सामान है और वैसे भी मुझे ना किसी की तो ज़रूरत पड़ने वाली है और मैं अकेले तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अगर मैं किसी को हायर भी करूँगी ना तो भी फिर मुझे पैसा देना ही है। अब लिली उससे कहती है ना देखो मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे फ्री में काम करो, लेकिन मैं ना तुम्हें $10 एक घंटे का दे पाऊँगी अगर तुम सीरियसली काम करना चाहती हो तो। अब जो अलीसा होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ताली बजाने लगती है और तो अगर उसने हील्स नहीं पहनी होती ना तो लिली के ऊपर कूद जाती और कहती है ना कि मैं कब से काम स्टार्ट करूँ फिर। अब जो लिली होती है ना वो उसकी तरफ देखती है और ना उसने वाइट कलर की कैप्रीज पहन रखी होती है और कहती है ना लिली एक काम करना तुम ना कल से काम स्टार्ट करना क्योंकि जिस तरीके के तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना ये कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो कल ऐसे कपड़े पहन के आना जिससे कि मैं ना तुम ना आराम से कंफर्टेबल होकर काम कर सको। अब जो अलीसा होती है ना वो अपने कंधे से अपना हर्मेस का बैग उतार के ना जो गंदी सी टेबल होती है ना उस पर रख देती है और कहती है यार तुम पागल हो क्या। फिर वो कहती है ना जो मेरे पति हैं वो बॉस्टन ब्रुइंस का मैच देखने गए गली के आखिरी में बार में, और अगर तुम्हें ठीक लगे ना तो क्यों ना मैं ये काम अभी से शुरू कर दूं। अब 2 घंटे बाद ना जो लिली थी वो इस चीज़ को लेकर कन्विंस तो हो गई थी कि भाई ये ना उसकी नई बेस्ट फ्रेंड बन गई है और ये ना रियली जो पिंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से यूज़ करती है। अब लिली और अलीसा मिलके ना स्टिकी नोट्स लेते हैं और एक पे लिखते हैं कीप, एक पे लिखते हैं कि भाई टॉस हटाना है और इसको रखना है सामान, और हर एक आइटम पे ना जितनी चीज़ें होती हैं कमरे में सब पे ये स्टिकर चिपका रहे होते हैं। जो अलीसा थी ना वो इस चीज़ को मानती थी कि भाई जो पुरानी चीज़ है हम उसको ना दोबारा से नई तरीके से अलग तरीके से डिज़ाइन करके ना यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग ना फिर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई जो 75% चीज़ें हैं ना इस कमरे में वो हम चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं ना वो अलीसा अपने पति को कह के ना बाहर फेंकवा देगी खाली टाइम में। और जब अलीसा और लिली ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि किस क्या रखना है क्या फेंकना है, अब जो लिली होती है ना वो एक नोटबुक लेके आराम से टेबल पे बैठ जाती है और ये सोचने लगती है कि भाई किस तरीके का डिज़ाइन हमें रखना है और डिज़ाइनिंग के ना आइडियाज़ सोच रही होती है। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है ओके, और ना वो भी आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। अब जो लिली होती है ना वो हंसना चाहती है क्योंकि जो उसने वाइट कलर की कैपरी पहन रखी होती थी ना वो अब बिल्कुल काली हो चुकी होती है धूल मिट्टी से। अब जो अलीसा होती है ना वो लिली से पूछती है कि तुम्हारा गोल क्या है इस जगह को लेके। अब जो लिली है ना वो कहती है बस मेरा एक ही गोल है सक्सेस, और वो ना अलीसा ये सुन के हंसने लगती है और अलीसा कहती है ना इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सक्सीड होगी, लेकिन तुम्हें ना एक विज़न की ज़रूरत है। अब जो लिली होती है ना वो सोचती है इस बारे में जो उसकी मम्मी ने उससे कहा होता है कि बस हमेशा एक चीज़ याद रखना ब्रेव एंड बोल्ड लिली,
और जो लिली होती है ना वो स्माइल करके कहती है ना और थोड़ा आगे हो जाती है चेयर पे और कहती है ना ब्रेव एंड बोल्ड। और मैं इस जगह को ना बिल्कुल अलग दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ ना कि मैं रिस्क लूँ अपनी ज़िंदगी में। अब जो अलीसा होती है ना उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, जो पेन होता है ना उसको चबाने लगती है और कहती है यार कि तुम तो बस एक फ्लावर बेच रही हो ना, फूल ही तो बेचोगी, तुम बोल्ड और ब्रेव कैसे होगी फूलों के साथ। अब जो लिली होती है ना वो सारे कमरे में देखती है और ना वो थोड़ा सोचती है कि क्या बोलना है और उसको खुद भी नहीं पता होता वो क्या बोलने वाली है, और ना थोड़ा खड़ी होती है और वो ऐसे बोलने वाली होती है जैसे कोई बहुत एक तगड़ा आइडिया उसके दिमाग में आया। लिली ना फिर अलीसा को कहती है कि अच्छा एक काम करो, जब भी तुम फूलों के बारे में सोचती हो ना तो क्या शब्द तुम्हारे दिमाग में आते हैं। अब लिली उससे पूछती है, अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है मुझे नहीं पता, स्वीट हैं आई गेस और ज़िंदा हैं और तो और उनको देख के ना ऐसा लगता है कि वो लाइफ है उनमें और मे बी कलर पिंक या फिर स्प्रिंग ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। अब जो लिली होती है ना वो कहती है स्वीट लाइफ पिंक स्प्रिंग। अब उसके बाद कहती है अलीसा तुम सच्ची में बहुत ब्रिलियंट हो। अब वो ना वहाँ पे खड़ी होती है और जो फ्लोर होता है ना उसको देख रही होती है और कहती है ना, अब लिली ना अलीसा को कहती है कि हम लोगों से हर चीज़ लेंगे जो वो फूलों के बारे में पसंद करते हैं और हम ना बिल्कुल उसका उल्टा काम करेंगे। अब जो अलीसा होती है ना उसको देखती है, कुछ उसको समझ नहीं आता कि इसने क्या बोल दिया। अब जो लिली है ना वो कहती है देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, जो फूल होते हैं ना वो हमेशा दिखाते हैं कि भाई स्वीट साइड है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उसकी जो विलन वाली साइड है वो दिखाने लगे तो पिंक कलर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हम उसकी जगह डार्क कलर यूज़ करने लगे तो जैसे कि डीप पर्पल हो गया या फिर काला कलर हो गया, ऐसा मानते हैं कि भाई स्प्रिंग का होता है फूल स्प्रिंग से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, अगर हम सेलिब्रेट करने लगे मृत्यु को ठंड को तो। अब जो अलीसा है ना उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं, वो कहती है लेकिन मतलब अगर कोई पिंक फ्लावर्स लेने आया तो। अब जो लिली होती है ना कहती है अगर पिंक फ्लावर लेने आया तो ऑफकोर्स हम उसको पिंक फ्लावर देंगे, लेकिन हम उसको वो भी दिखाएंगे जो वो नहीं देखना चाहता। अब जो अलीसा होती है ना अपना गाल खुजाती है और कहती है ना कि तो क्या तुम काले वाले फ्लावर्स बेचना चाहती हो। अब जो लिली होती है ना वो समझ गई थी कि भाई इतना ये गहरी चीज़ समझ नहीं पाई है और वो उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो अलीसा थी ना वो बस सिर्फ उसके शब्दों पर जा रही थी, वो डार्क साइड जो चीज़ें वो कहना चाहती ना वो समझ नहीं पा रही थी। अब जो लिली होती है ना आराम से टेबल पे बैठ जाती है और कहती है ना देखो किसी ने मुझसे कहा था ना एक बार कि लोग कभी भी बुरे नहीं होते, बस वो कभी कभी ना बुरी चीज़ें कर देते हैं और वो चीज़ ना मेरे साथ स्टिक हो गई और ये चीज़ बहुत सच भी लगती है मुझे, हम सब के अंदर ना एक ईवल छुपा हुआ है तो मैं ना उस चीज़ को अपना थीम बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं दीवार को ना एक स्वीट कलर से पेंट करूँ, मैं चाहती हूँ मैं दीवार को ना डार्क पर्पल या फिर काले कलर से पेंट करूँ, क्योंकि भाई देखो फूल तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर वही फूल आपको ना काले कलर के फ्लास्क में रखे हुए हों, ऐसा मानते हैं कि भाई फूल ज़िंदगी है, लेकिन अगर वो ऐसा दिखाने लगे कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ होगी बोल्ड और ब्रेव। हम ना उसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे कि ये फूल बहुत ज़्यादा डार्कर है, हम उसको ना रैप कर देंगे लेदर में या फिर सिल्वर चेंज में या फिर क्रिस्टल वासेस में उसको दे देंगे, और इस तरीके से ना हम बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो कॉम्बिनेशंस होंगे जो आइडियाज़ होंगे ना वो एंडलेस है हमारे पास। अब जो लिली होती है ना वो खड़ी हो जाती है, कहती है देखो फूलों की दुकान तो ना हर कोने पे मिल जाएगी, हर किसी को फूल पसंद है, लेकिन ऐसी कौन सी फूलों की दुकान है जो उन लोगों को फूल बेचती है जिनको फूलों से बहुत ज़्यादा नफरत है। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है कोई भी नहीं। अब जो लिली होती है ना कहती है एग्जैक्टली कोई भी नहीं। अब वो दोनों ना एक दूसरे को देखते हैं, अब जो अलीसा होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, अब जो लिली होती है ना वो भी हंस रही होती है बच्चों की तरह, अब जो अलीसा है ना वो भी उसको देख के हंसने लगती है ना और कूदने लगती है और उसको ना गले से लगा लेती है। अब वो कहती है लिली ये तो बहुत ज़्यादा घुमावदार है यार, लेकिन ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है तुम्हारा। अब जो लिली होती है कहती है मुझे पता है यार, और कहती है भाई मुझे ना एक डेस्क चाहिए ताकि मैं ना एक बिज़नेस प्लान बना सकूं, और तो जो मेरा फ्यूचर ऑफिस होगा उस जगह से ना मुझे जो सारी जो केट वो है ना क्रेट्स वो वहाँ से निकालनी पड़ेंगी। अब वो लोग ना जो उनके पीछे स्टोर होता है वहाँ पर जाते हैं। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है चलो अब हम ना ये सब सामान निकालते हैं और तुम्हारे लिए ना एक नई डेस्क खरीद के लेके आते हैं। अब जो लिली और अलीसा होते हैं ना वो जितना भी क्रेट रखी होती है पीछे बैक वाले कमरे में वो फटाफट ना उसको निकालना शुरू कर देते हैं, और जो लिली होती है ना वो एक टेप चेयर पर चढ़ जाती है और हल्के हल्के ना जो क्रेट होती हैं एक के ऊपर एक रखना शुरू कर देती है ताकि ना कमरे में थोड़ी जगह हो सके। अब जो अलीसा होती है ना वो कहती है यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना विंडो के डिस्प्ले के लिए, और मेरे पास ना कुछ इसके दिमाग में ऐसे रिलेटेड। अब जो लिली होती है ना वो क्या करती है, जो क्रेट होती है ना वो एक के ऊपर एक रखी रही होती है, और सिंस वो इतना ऊंचा हो गया होता है ना वो थोड़ा उचक के जैसी रख रही होती है ना वो अचानक से ना डिसबैलेंस हो जाती है और ना वहाँ से गिर जाती है झटके से, और जैसे ही वो फ्लोर पे गिरती है ना जो उसका पैर होता है ना वो मुड़ जाता है। अब जो अलीसा होती है ना वो फटाफट भाग के आती है उसके पास और ना क्रेट वेट हटाती है क्योंकि वो क्रेटों के बीच में फंस गई होती है, और कहती है लिली हे भगवान तुम ठीक तो हो ना।
अब जो लिली होती है ना, वो अपने बिल्कुल टांगों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही होती, अपना वजन भी नहीं रख पा रही होती, और वो कहती है ना, अरे मेरा पैर। अब जो एलिसा होती है ना, फटाफट क्या करती है, उसका जूता निकालती है और अपने फ़ोन से ना एक फ़ोन नंबर मिलाती है। अब जो एलिसा है ना, वो कहती है, मुझे पता है ये थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारे घर में फ्रिज है यहाँ पे जिसके अंदर बर्फ़ वर्फ़ रखी हो? अब जो लिली होती है ना, वो मना कर देती है। अब जो एलिसा होती है, कहती है, मैं समझ गई यार। वो फटाफट अपने फ़ोन को ना स्पीकर पर डालती है, और जो लिली की पैंट होती है ना, उसको हल्का सा ऊपर करती है ताकि जो उसका पैर है ना, अच्छे से दिख सके। अब जो लिली होती है ना, वो मन में सोचती है, यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मतलब एक तो मेरे को अभी नई बिल्डिंग मिली है, इसके जो रिनोवेशन के काम में कई महीनों बीत जाएंगे, अगर मेरी टांग टूटी ना तो ये काम और कई महीनों आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ना उधर से आवाज़ आती है, हे ईसा कहाँ हो तुम, गेम तो ख़त्म हो गया। अब जो एलिसा होती है ना, वो अपना फ़ोन उठाती है, अपने मुँह के पास लेके आती है, कहती है, मैं काम पे हूँ, सुनो मुझे ना हेल्प चाहिए। और जो लड़का होता है ना, उसको बीच में ही कट कर देता, कहता है, काम पे बेब, तुम तो जॉब ही नहीं करती हो। अब जो एलिसा है ना, अपना सारी लाती है, कहती है, मार्शल मेरी बात सुनो, एमरजेंसी है, जो मेरी बॉस है ना, उसके पैर में चोट लग गई है, तुम फटाफट ना बर्फ़ लेके आ जाओ। अब ये बोली रही होती है ना, जो उधर से आदमी होता है ना, वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी बॉस, बेबी तुम तो काम ही नहीं करती हो। अब जो एलिसा होती है ना, वो कहती है, मार्शल तुमने दारू पी रखी है क्या? अब जो मार्शल होता है ना, वो कहता है, आज तो वॉन्जी डे है यार। अब जो वॉन्जी है ना, ये ONESI, इसका मतलब होता है ना, ये ड्रेस होती है जो पूरी एक जैसी होती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। और मार्शल कहता है ना, तुम्हें तो पता ही है यार, आज उनका मैच चला था तो आज फ्री बियर मिली थी हमें। अब जो एलिसा होती है ना, वो गुस्से में कहती है, फ़ोन मेरे भाई को दो। अब जो मार्शल होता है ना, वो कहता है, अरे हाँ ठीक है दे रहा हूँ, और ना एकदम से वो अपने फ़ोन किसी को दूसरे को दे देता है, और उसका से आवाज़ आती है कि हाँ बोलो। अब जो एलिसा होती है ना, वो फटाफट लोकेशन बताती है और कहती है ना, यहाँ पे जल्दी आओ, और हाँ बर्फ़ लेते हुए आना। और उधर से आवाज़ आती है ना कि यस मैडम। और जो एलिसा का भाई होता है ना, वो ऐसा लग रहा होता है उसने थोड़ी दारू पी हुई है। अब ना फ़ोन कटा नहीं होता, और वो ना हंसने की आवाज़ आ रही होती है दूसरी तरफ से। और जो लड़का होता है ना, उधर से आवाज़ आती है कि भाई आज वो ना बड़े ख़राब मूड में मालूम पड़ती है, और ये कहते ही ना जो फ़ोन होता है वो कट जाता है। अब जो एलिसा होती है ना, वो फ़ोन अपना वापस जेब में रख लेती है और कहती है ना, तुम यहीं पे रुको, बिल्कुल भी हिलना मत, मैं बाहर जाती हूँ ना, उन लोगों को देखती हूँ, क्योंकि वो गली के आखिरी में ही थे, वो कभी भी आ जाएंगे, और तुम बिल्कुल कहीं जाना मत, ठीक है? अब जो लिली होती है ना, वो सर हिलाती है और कोशिश करती है कि वो चेयर तक पहुँच जाएगी, और कहती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा चल पाऊँ। अब जो एलिसा होती है ना, उसको धक्का दे देती है पीछे और दीवार से टिका देती, कहती नहीं बिल्कुल भी मत हिलो जब तक वो लोग यहाँ आना आ जाए, ठीक है? और ना लिली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई दो बंदे आने वाले हैं जिन्होंने दारू पी रखी है, वो कैसे रिएक्ट करे, और तो जो उसकी नई एम्प्लॉई है वो बिल्कुल बॉस की तरह बिहेव कर रही है इस वक्त। और ये सिचुएशन ना लिली को थोड़ा डरा भी देती है। अब जो लिली होती है ना, वो आराम से पीछे वहाँ 10 मिनट बैठी होती है, और जो एलिसा होती है वो गेट पर खड़ी होती है। अब इतने में ना लिली को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, कहती क्या है दुनिया में यार, और तुम ये इस ख़राब सी बिल्डिंग में अकेले क्यों? अब जो एलिसा होती है ना, वो कहती है, वो वहाँ पे है पीछे, और वो लोग ना फटाफट उसके पीछे आ जाते हैं। और जब लिली देखती है ना, तो उसने वॉन्जी ड्रेस पहन रखी होती है, एक बड़ा सा आदमी होता है, पतला दुबला सा होता है, थोड़ा हैंडसम सा होता है, उसकी आंखें ना बड़ी ईमानदारी सी होती हैं, एकदम बढ़िया कलर का हेयर कट ले रखा होता है उसने, और उसके ना हाथ में बर्फ़ होती है। अब जो लिली है ना, वो मन में सोचती है, क्या मैंने आप लोगों को बताया कि उसने वॉन्जी पहन रखी थी? अब जो लिली है ना, वो मन में सोचती है, यार एक पूरा ग्रोन आदमी और उसने स्पॉन्जी बॉब कलर की वॉन्जी पहन रखी है, और वो ना मन में सोच के ना हंसने लगती है कि कैसा लग रहा है ये। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।